आज हमारा निकलने का पर्पस एक तो इमरान खान का जो एक खुद साख्ता बयान और पाकिस्तान को टुकड़े कर देने का बयान जो है वो काबिले मज़म्मत है। इस न्याजी के खिलाफ जो एक शैतान पाकिस्तान के टुकड़े होने का ख्वाब देख रहा है, पेट्रोल जो उसने आईएमएफ से ऑलरेडी 50 रुपए पर लीटर उसने मुआदा किया था वो उसने नहीं किया। महंगाई के बारे में तो आपको पता है कि महंगाई इस कदर है कि आवाम सड़कों पर निकल आई है, जिस तरह से गैस और बिजली के रेट्स बढ़े हैं, वो जिस तरह भी बयान दे रहे हैं जुडिशरी के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान को कमज़ोर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनिल अंसारी, इनसे पूछते हैं कि ये आज क्यों निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमारा निकलने का पर्पस एक तो इमरान खान का जो एक खुद साख्ता बयान और पाकिस्तान को टुकड़े कर देने का बयान जो है वो काबिले मज़म्मत है, और इसलिए भी निकले कि तशद्दुद की सियासत जो है वो नामंजूर है, जो कि इमरान खान ने पाकिस्तान में तशद्दुद की सियासत को जो है वो फ़रोग़ दिया है। और जरदारी साहब ने जो एक नारा लगाया था पाकिस्तान खपे, तो वही इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इस वक्त पाकिस्तान खपे का नारा लगा रही है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को कायम और दायम रखने में पीपल्स पार्टी अपना एक अहम रोल अदा करेगी। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहती हैं महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में तो आपको पता है कि महंगाई इस कदर है कि आवाम सड़कों पर निकल आई है, जिस तरह से गैस और बिजली के रेट्स बढ़े हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं पीपल्स सेक्रेटेरिएट में आसिफ अली जरदारी साहब के और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर इमरान खान के एक पाकिस्तान दुश्मन जो बयान उन्होंने दिया है कि फ़ौज और पाकिस्तान के बारे में, तो उस पर हम भरपूर मजम्मत करने के लिए यहाँ पर जमा हुआ है। यहाँ से हम इम्प्रेस मार्केट पहुँचेंगे रैली की सूरत में, तो हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को ख़त्म करने वाले जो नाजेबा इरादे हैं इमरान खान के, वो कभी पूरे नहीं हो सकते। पाकिस्तान की क़यादत ने अपने खून का नजराना पेश करके पाकिस्तान को हमेशा बचाने में किरदार अदा किया है, जबकि बदतरीन हालात में जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, उस वक्त भी सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और उसके वर्कर अपने खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान की बका के लिए, अपनी जानों का नजराना देने के लिए जो है वो तैयार है, और हमतन गोश तैयार रहते हैं, और यही पैगाम देने के लिए इमरान नियाज़ी को यहाँ जमा हुए हैं कि पाकिस्तान का नाम अगर उसने दोबारा लिया तो हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और हमारी आवाम जो है वो मिलकर उसको पाकिस्तान से निकाल देंगे। बहुत शुक्रिया। इनसे पूछते हैं महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप ठीक हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है। तो सर क्या कहना है इसके बारे में? आज आपने देखा कि अभी ये सिर्फ कराची का एक छोटा सा समंदर निकला है, आस्ता आस्ता आपने देखना है कि ये पूरा समंदर बनेगा। इस न्याजी के खिलाफ जो एक शैतान पाकिस्तान के टुकड़े होने का ख्वाब देख रहा है, उसको नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वर्कर रोडों पे निकले हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो फेडरल पे यकीन रखती है, जमहूरियत पे यकीन रखती है, और वो जमहूरियत की एक बका है। आपने पहले भी एक नारा लगा रहता था कि बेनज़ीर बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, तो यही जंजीर है जो पाकिस्तान की बका को काबू करके रखी हुई है, पाकिस्तान को मजबूत बना के रखी हुई है। और हम जियाले वर्कर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले लाशों के नजराने देने वाले हैं, अपने जान के नजराने देने वाले, हम डर के भागने वाले नहीं हैं। हम सर हम देखते हैं कि इस तरह एहतजाज होते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क इस ये पड़ता है कि ये जो ड्रामेबाज इमरान नियाजी
बनीगाला से भाग के पेशावर में पना लेके बैठा हुआ है, वो छुप के बैठा हुआ है। उसको पता है कि आवाम अब निकल चुकी है, उसको पता है जियाले निकल चुके हैं, अब उसको एक गिरेबान में पकड़ने वाले हैं। ये एहतजाज का प्रेशर बनीगाला तक पहुंचता है। ये अवामी, आपको पता है कि एक ताकत अल्लाह की होती है और दूसरी अवाम की होती है, और ये अवामी है। ये अदम एतमाद जो इमरान खान के ख़िलाफ़ आया था, ये अवाम की ताकत से आया था या किसी एम्पायर के उंगली से नहीं आया था। तो यही ताकत है जो पाकिस्तान में जमहूरियत लेके आई है। और आपने देखा इस न्याजी ने जो मुल्क का बेरा गर्क किया, मैशत का जनाजा निकाला, पेट्रोल जो उसने आईएमएफ से ऑलरेडी 50 रुपए पर लीटर उसने मुआदा किया था वो उसने नहीं किया, उसका डबल नुकसान अभी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। तो इसलिए अभी इसने जो पाकिस्तान के टुकड़े होने के ख्वाब देखे हैं, अल्लाह न करे हम हमारे जो आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हर कौमियत का बंदा इस पार्टी से वाबस्ता है, चाहे उसमें मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान का दिफा करेंगे, पाकिस्तान को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ कुछ जियाले भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्यों निकले हैं आज। जिस तरह आपको पता है कि हुकूमत से जो है वो जमहूरी तरीके से निकालने के बाद जो इमरान खान जो है ख्वास पाख्ता हो चुके हैं, उनकी तकारीर में पाक आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेटमेंट हो, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को माशी तौर पे नुकसान पहुंचाया, जिससे झंडे के ऊपर जो है वो इसे लाया गया था। हम जो है वो काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे हैं कि ये एक मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत लाया गया था कि माशी नुकसान के बाद जो है वो पाकिस्तान को अस्करी तौर पर भी जो है वो बिल्कुल कमज़ोर करे, और वो जिस तरह भी बयान दे रहे हैं जुडिशरी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जो इसकी आलमी साजिश का एक हिस्सा है, तो उसके ख़िलाफ़ आज जरदारी साहब की जो हमारे सदर पाकिस्तान है साहब का, उनकी हिदायत है कि आज घर घर और गली गली से जियाले निकल कर दुनिया को ये पैगाम दे कि जब तक जियाले जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं तो इमरान खान और उस जैसे हज़ारों कठपुतली आकर जो है वो पाकिस्तान को जो तोड़ने के बयान हैं उसको हम जो है वो मुकम्मल करने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया सर।